जितना भी बैंक का लोन डिफॉल्ट होता है, बैंक ये सारा पैसा खुद रिकवर नहीं करता। बैंक किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाई अप करता है और ये थर्ड पार्टी कंपनी बैंक का डिफॉल्ट लोन रिकवर करती है। अब रिसेंटली ऐसा ही कुछ यस बैंक में देखने को मिला। यस बैंक जो फेल हुआ था अपने बैड लोन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यस बैंक ने रिसेंटली एक थर्ड पार्टी कंपनी जेसी फ्लावर के साथ टाई अप किया है अपने सारे बैड लोन्स रिकवर करने के लिए। फिलहाल यस बैंक के पास 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स हैं, जिसे यस बैंक ने सेल किया जेसी फ्लावर्स को 11,500 करोड़ रुपए में। यस बैंक के मेन डिफॉल्टर्स हैं रेडियस डेवलपर्स, अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप। अब देखना ये होगा कि जेसी फ्लावर्स अपने 48,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट पूल में से कितना पैसा रिकवर कर पाएगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि जेसी फ्लावर्स प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं।